रविवार सुबह धोलावाटा टेम्पो स्टैंड से रामदेव बाबा मंदिर तक बनने वाली सड़क निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था कि स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य रुकवाकर विरोध शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम करने के साथ निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि सड़क की हालत बहुत खराब है। सड़क 40 फीट की स्वीकृत की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य में भेदभाव के चलते कहीं 40 और कहीं 20 फीट की सड़क बनाई जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। काफी देर बाद अलवरगेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी लोगों से समझाइश की और जाम भी खुलवाया। हम लोगों ने यहाँ पे रोड जाम किया है एक्सचेंज धोलावटा के पास, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये 10 फीट का या 12 फीट का रोड बने, क्योंकि ये 40 फीट का रोड है। हम लोग गए थे आयुक्त के पास तो वहाँ पे कहा गया था कि 25 तारीख को आपसे मीटिंग रखी जाएगी, मगर 25 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हुई। उस बात को आज 1 से 1.5 महीना हो गया है, तो मगर 2 दिन से यहाँ पे आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब सब आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, मगर उन्होंने आश्वासन दिया था कि 8 दिन के बाद आपका रोड चौड़ा होके फिर ही बनाया जाएगा, मगर आज देखा गया तो रोड यहाँ चौराहे से काम शुरू हो गया है, जो हम नहीं चाहते। इस वजह से हमने बंद किया, रोड जाम किया है, बंद किया है। अभी हमने सिर्फ एक्सचेंज के पास रोड जाम करा है और हम आगामी 1 सप्ताह के अंदर मेयो लिंक रोड से इसको बंद करेंगे। भैया हमें बहुत समस्या हो रही है कि आए दिन पानी की लाइन टूट जाती है, बच्चे आते जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लाइट चली जाती है तो कुछ दिखता भी नहीं है, एक दूसरे का एक्सीडेंट होने की शंका हो जाती है, ट्रक व्रक निकालने में बहुत दिक्कत होती है, अगर ट्रक निकल जाए तो इंसान तो खड़ा ही नहीं रह सकता जी, बारिश में बहुत हालत खराब हो जाती है, खड्डे खोज रहे आप देख लीजिए, अभी भी खड्डे हो रखे हैं और बारिश में हमारी बहुत बहुत दिक्कत आ जाती है, और पाइपलाइन भी टूट जाती है बारिश के समय, बहुत दिक्कत आ रही है। हम गए भी थे तो हमें आश्वासन दिया गया, और जब भी आते बस आश्वासन देकर हम जब मतगण होते हैं तब तो आ जाते हैं, फिर आगे कोई समस्या हमारे को ध्यान ही नहीं देते। हम लोग सीओ साहब के पास जाके आए थे, हम ये चाहते हैं रोड चौड़ा हो लेकिन दोनों साइड से हो, वन साइड से नहीं लिया जाए इस रोड को, यहाँ बारिश के अंदर पब्लिक की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, कोई गिर रहा कोई पड़ रहा।